उत्तराखंड में कुदरत का कहर जारी, चमोली में फटा बादल, बद्रीनाथ हाईवे पर सैलाब से आवाजाही ठप। रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल, जगह जगह पहाड़ दरकने से हाईवे बंद, मुसाफिर परेशान। हाईवे किनारे खड़ी मशीनों पर चट्टान गिरने से रुका काम, जेसीबी पोकलान मशीनों को क्षति। दार्जिलिंग में भारी बारिश के बाद भूस्खलन की तबाही, सिक्किम को जोड़ने वाले रास्ते पर गिरा मलबा। अचानक पानी से नदी के बीच फंसी तीन महिलाएं, पुलिस और गांव वालों ने मिलकर बचाया। पंजशीर में तालिबान के कब्जे के दावे को झटका, तालिबानी ठिकानों पर हवाई हमला। खबरों के मुताबिक अज्ञात जंगी विमानों ने किया हवाई हमला। तालिबान पाकिस्तान गठजोड़ पर, काबुल में प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने किया एसआई चीफ के तुरंत वापसी की मांग। पंजशीर में हो रही हत्याओं के खिलाफ मजार शरीफ में लोगों का प्रदर्शन। वॉशिंगटन में भी तालिबानी राज के खिलाफ अफगानियों का प्रदर्शन। तालिबान सरकार के ऐलान से पहले पाकिस्तान का दाव, मुल्ला बरादर से मिले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के मुखिया। तालिबान का नया फरमान, कहा सिर से पैर तक ढककर आए स्कूल क्लासरूम में लगाया पर्दा। काबुल में महिलाओं का तालिबान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। काबुल एयरपोर्ट पर शुरू हुई घरेलू विमानों की आवाजाही। काबुल में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर जारी है सस्पेंस, अब भी बंद है पासपोर्ट ऑफिस। यूपी विधानसभा के लिए बीएसपी का चुनावी अभियान शुरू, लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन। अब से थोड़ी देर में लखनऊ के प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगी मायावती। तीन दिन के यूपी दौरे पर ओवैसी, फैजाबाद के पोस्टर पर छिड़ा विवाद। अयोध्या के रुदौली में ओवैसी की जनसभा, मुस्लिम बहुल सीट पर शेर अफगान है एमआईएम के उम्मीदवार। एसपी सांसद एसटी हसन ने कहा बीजेपी और ओवैसी ध्रुवीकरण की कोशिश में जुटे। कोलकाता में बंगाल बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। टीएमसी नेता मुकुल रॉय ने किया बड़ा दावा, कहा संपर्क में है बीजेपी के 24 विधायक। इंदौर में महंगाई को लेकर कांग्रेस का अनूठा विरोध जारी, किया गैस की टंकी बनाकर डाक टिकट। अमृतसर में महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, महंगाई को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। यूपी के गोंडा में गौशालाओं का बुरा हाल, जल भराव की दिक्कत, चारे की किल्लत। देश में 24 घंटे में आए 31,222 नए केस, 290 मरीजों की मौत। कोविशील्ड के दो डोज में गैप को लेकर केरल हाईकोर्ट ने केंद्र को दिया निर्देश, कहा 84 दिन के बजाय 28 दिन हो अंतर। महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत ने कहा नागपुर में कोरोना की तीसरी लहर इस हफ्ते से बढ़ेगी सख्ती। दिल्ली में कोरोना के 32 नए मामले, लगातार छठे दिन कोई मौत नहीं। 5 महीने बाद वाराणसी की संध्या गंगा आरती पुराने स्वरूप में लौटी। ओवल में टीम इंडिया ने रचा इतिहास, इंग्लैंड को चौथे टेस्ट में 157 रन से हराया। ओवल टेस्ट में जीत के साथ ही टीम इंडिया 2-1 से आगे। ओवल टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए रखा था 368 रन का लक्ष्य। मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए रोहित शर्मा को चुना गया मैन ऑफ द मैच, 127 रन की खेली शानदार पारी। भारत की तरफ से गेंदबाजों ने भी किया कमाल, उमेश यादव ने झटके 3 विकेट।